नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। इस वर्ष पड़ रही भीषण गर्मी से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मनुष्य मवेशी ही नहीं, पेड़ पौधे भी इस गर्मी में बेहाल। किसानों की फसलों की बुआई भी लेट होती चली आ रही है। कृषि बीज भंडार प्रभारी अरुण कुमार ने बताया कि पिछले वर्षों में किसानों की इन दिनों बीज लेने वालों की भीड़ लगी रहती थी, लेकिन इस वर्ष भंडार से बिक्री बहुत कम हो रही है, जबकि धान का बीज 50% छूट पर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। उधर खाद दुकानदार भी इस भीषण गर्मी में बेरोजगार की स्थिति में पहुंच गए हैं। दुकानों में खरीफ की फसल को देखते हुए खाद का स्टॉक तो भर लिया, लेकिन अभी तक खरीफ की फसलों तथा धान तिलहन दलहन की बुआई वर्षा ना होने के कारण शुरू नहीं हो पाई है। खेत सूखे पड़े हैं। क्षेत्र के गांव जाजा मऊ में इफको खाद की दुकान चलाने वाले रोहित शुक्ला बताते हैं कि गेहूं की कटाई के बाद से अब तक लगभग 4 माह से बिक्री ना होने के कारण बेरोजगारी की स्थिति में पहुंच गए हैं। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरपीएस समाचार। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल आरपीएस समाचार को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाएं।